हेलो गाइस, तो आप लोग बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे थे भैया आप टॉपिक समझ ही गए होगे, हाउ टू बिल्ड रिलेशनशिप एंड मैनेज रिलेशनशिप इन योर कॉलेज लाइफ। तो मोस्ट अपडेटेड वीडियो, बहुत सारे लोग इस टॉपिक पर बात नहीं करते हैं, इवन कॉलेज लाइफ में नहीं करते हैं, अपने घर पे नहीं करते हैं। तो भाई ए नॉट लाइक अ जी एफ बनाए बी एफ बनाए आप, इट्स पॉइंट आउट टू हाउ टू बिल्ड रिलेशनशिप। रिलेशनशिप में सारे रिलेशनशिप आते हैं, आपके मम्मी पापा के साथ आपके रिलेशंस, आपके भाई बहन के साथ आपके रिलेशंस, और आपके जो रिश्तेदार हैं वो भी रिलेशंस, और उसी का एक पार्ट है गर्ल फ्रेंड और बॉयफ्रेंड वाला, ये जो पार्ट होता है जो कॉलेज लाइफ में चीज़ें चलती हैं वो एक इसका एक अलग से पार्ट है। तो रिलेशनशिप को लाइक लोगों ने एक अलग पर्सपेक्टिव में लेना चालू कर दिया है। तो रिलेशनशिप वो नहीं होता है जो आप लोग सोच रहे हैं, ठीक है, वो उससे कहीं ना कहीं हटके चीज़ें होती हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। तो प्रो टिप्स देने वाला हूँ आप लोगों को, जो मैंने सीखा है अपनी कॉलेज लाइफ से वही आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। पहला है आप लोगों का कम्युनिकेशन स्किल्स। अब मान लीजिए कोई भी, दोनों जेंडर्स के लिए मैं ले रहा हूँ, कोई एक जेंडर को टारगेट नहीं कर रहा हूँ। अगर आप बॉय हैं या आप गर्ल्स हैं या आप वोमेन हैं या आप मैन हैं, जो भी हैं आप लोग, तो आपको सबसे पहले ये देखना है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, आप सामने वाले से बात कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। आपने देखा होगा कि आप लोगों के फ्रेंड बन जाते हैं, किसी लोगों के जल्दी से फ्रेंड बन जाते हैं, किन्हीं लोगों के फ्रेंड बनने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है आप लोगों की कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से। थोड़ा सा कम्युनिकेशन स्किल्स पर लोग ध्यान नहीं देते हैं। जब आप कम्युनिकेशन पर ध्यान नहीं देते हैं तो आप लोग किसी से अपनी बात बोल ही नहीं पाते हैं, तो भाई मन की बात आप लोग कैसे बोलेंगे। तो कम्युनिकेशन स्किल्स पहला ऐसा फंडामेंटल चीज़ जो आप लोगों को किसी के साथ भी रिलेशनशिप बिल्ड करने में आना ही आना चाहिए, तो पहली चीज़ ये है। दूसरे नंबर पर आप लोगों का है स्किल डेवलपमेंट का एक दूसरा पार्ट, जो आप लोग जिसको कहते हैं हसल साइड। जैसे आप लोग किसी को भी देख लीजिए, बॉयस हो या गर्ल्स हो, दो टाइप के अट्रैक्शंस होते हैं स्किल। एक होता है फिजिकल अट्रैक्शंस, एक होता है इमोशनल अट्रैक्शंस। कुछ लोग फिजिकली अट्रैक्ट हो जाते हैं, लाइक ये लड़का अच्छा है, ये लड़की अच्छी है, ठीक है, इससे मैं फ्रेंडशिप बनाता हूँ। तो ये हो गया आप लोगों का फिजिकल अट्रैक्शन, और एक होता है आप लोगों का इमोशनल अट्रैक्शन। नहीं, आप वो चीज़ नहीं देख रहे हो, आप अंदर की चीज़ें देख रहे हो, ये ब्रिलियंट है या ये ऐसा है। तो ये आप लोगों के अलग अलग टाइप्स के अट्रैक्शंस होते हैं जो आप लोगों को कॉलेज लाइफ में मेजरली होते हैं, और इट्स ह्यूमन थिंग। अगर आप लोगों को अट्रैक्शंस हो रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं हो रहे हैं तब फिर आप जाके इलाज अपना करवाइए। तो ये दो चीज़ें हैं इसमें। कैसे आप लोगों को अपने लुक पर ध्यान देना है। बहुत सारे लोग लुक पर ध्यान नहीं देते हैं, कहते हैं अरे भैया लुक कैसा भी ठीक हो, कैसा भी ठीक हो वो एक अलग बात है, कम से कम साफ़ सुथरे रहिए। कोई भी हो, मेल हो या फीमेल हो, बॉयज़ बेसिकली ज़्यादा ऐसे ही रहते हैं, चले जाते हैं कैसे भी। तो थोड़ा सा आपको ऑथेंटिक लुक आपका होना चाहिए। थोड़ा सा आप लोग लाइक अगर कहीं जा रहे हैं तो थोड़ा सा ड्रेस कोड पर आप लोग ध्यान करिए। ड्रेस कोड पर अगर आप लोग अलग से वीडियो चाहते हैं, ड्रेस कोड का मैं बना दूंगा। बेसिकली ये सारी चीज़ें मैंने ज़्यादा अप्लाई नहीं की हैं अपनी अगर कॉलेज लाइफ में देखूँ तो। ड्रेस कोड वगैरह ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मैटर करती हैं। जैसे आप लोग मान लीजिए इवेंट्स वगैरह में गए, तो वहाँ पर आप लोगों को अगर अट्रैक्शन पाना है तो आप लोग थोड़ा सा एथनिक वगैरह पहन के जाइए, ड्रेस कोड वगैरह, और आप लोग थोड़ा सा कल्चरल वाइब में जाइए। लाइक कुर्ता वगैरह पहन के आप लोग जा सकते हैं, ब्लैक कुर्ता वगैरह पहन के आप लोग जा सकते हैं। अलग अलग ड्रेस कोड होते हैं, तो ड्रेस कोड भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है, और आप लोग कैसे कैसे आप दिखने लग रहे हैं, तो वो भी फिजिकल चीज़ें भी आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा मैटर करती हैं रिलेशनशिप बिल्ड करने में। इसके तीसरा होता है आप लोगों का टाइम देना, चीज़ों को टाइम देना, कैसे आप लोग टाइम दे रहे हो। तो टाइम देने में आप लोगों को क्या है, बेसिकली कुछ लोग क्या करते हैं, उनसे बात की चार दिन किसी और से बात कर ली, ये दोनों के लिए मैं बता रहा हूँ, बॉयज़ और फॉर गर्ल्स, चार दिन आपने उनसे बात की, फिर कह रहे हो अरे नहीं वो अच्छी लग रही है, वो अच्छा लग रहा है, तो आप लोग चार दिन उनको टाइम दे रहे हो। तो पीपल नीड्स टाइम, कि मतलब किसी भी चीज़ को जब आप करते हो, जैसे हम लोग कहते हैं हम लोगों को पढ़ना है, तो लाइक हम लोगों को कहते हैं कि आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा, तभी आप सक्सीड होंगे। तो किसी भी चीज़ में आप लोगों को टाइम देना होता है, आपको नॉट इवन आपको फिजिकली समझना होता है, आपको इमोशनली भी उस इंसान को समझना होता है जिससे आप लोग रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हैं। तो आप उसको इमोशनली आप कैसे समझ पाओगे, आप इमोशनली उसको इसलिए समझ पाओगे कि आप लोगों को उसको टाइम देना है। तो जब तक आप लोग टाइम नहीं दोगे उसको, तब तक नहीं हो पाएगा। कैंपस में बहुत सारी जगह हैं भैया, आराम से बैठिए, अपना कोई सुकून वाली जगह है, आराम से बैठ के आप अपना वहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकते हैं, पढ़ भी वहाँ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप लोग टाइम ही स्पेंड कर रहे हैं, वहाँ पढ़ सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ घूम सकते हैं, और वहाँ पे जाके आप लोग अपना सब आराम से टाइम स्पेंड वगैरह सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो टाइम स्पेंड एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो बहुत लोग नहीं करते हैं, तीसरा चीज़। और चौथा चीज़ ये है कि आप लोगों को इस चीज़ को, जो रिलेशनशिप वाली चीज़ है या जो चीज़ मैं बताने लग रहा हूँ, इसको हमेशा सेकंड प्रायोरिटी पर रखना है। अगर आप इसको फर्स्ट पर रख देंगे तो आप कहीं ना कहीं एकेडमिक में फेल वगैरह हो सकते हैं सेमेस्टर एग्जाम्स में। तो इस चीज़ को हमेशा सेकंड पर रखिए। कभी कभी आप लोग इमोशनली और मेंटली आप लोग फैसला नहीं ले पाते हैं कि आप लोगों को करना क्या है, तो
तो इस वाले फेज में इमोशनली जब आप अट्रैक्ट फील कर रहे हो तो आप लोगों को कोई भी अपना जो टफ जो फैसला है उस टाइम आप लोगों को नहीं लेना चाहिए। अगर आप लोग डिमांड करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा डीप चीज़ें इसमें बताई जाएंगी और आप लोगों को समझाई जाएंगी। अगर आप लोग डिमांड करते हैं तो होपफुली ये वाली तीन चीज़ें आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा वर्क करेंगी और कैसे आप लोगों को आगे बढ़ना है, कैसे आप लोगों को चीज़ें बढ़ानी है, कैसे नेटवर्क आप लोगों को करना है, नेटवर्क आप लोग कैसे बिल्ड कर सकते हैं। तो बने रहिए चैनल के साथ, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।